नर्सरी से गुड़हल यानी हिबिस्कस प्लांट को लेके आने के बाद इस तरीके से गमले में रिपोर्टिंग कर दीजिए यानी गमले में लगा दीजिए, तो आपका प्लांट ना तो कभी मुरझाएगा ना प्लांट कभी फूल देना बंद करेगा। अक्सर आपका कमेंट आते रहते हैं कि हमारा प्लांट बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं, बहुत ही ग्रीन लीव पत्ते में भर गए हमारा प्लांट, पर प्लांट में एक भी फूल नहीं खिल रहे हैं। नर्सरी से लेके आने के बाद हमारा प्लांट मुरझा गए हैं और प्लांट धीरे धीरे सूखना चालू कर दिया है। तो आज जिस तरीके से आपको दिखाऊंगी कि प्लांट को किस तरीके से रिपोर्टिंग करना है, आप इस तरीके को फॉलो करिए, आपका प्लांट में ये सारा समस्या और आएगा नहीं और प्लांट में फूल खिलते रहेगी। तो देखिए, ये जो हिबिस्कस आपके साथ शेयर किया था नर्सरी शॉपिंग वीडियो में, ब्लू कलर का हिबिस्कस का फ्लावर आप देखिए खिला है, फ्लावर आपको दिखा रही हूँ। उस टाइम तो दिखा नहीं पा रही थी क्योंकि फूल खिला नहीं हुआ था, तो फूल तो बहुत ही खूबसूरत है और इसका कलिया तो हर जो नोड एरिया होता है ब्रांच में, हर ब्रांच में नोड एरिया पे देखिए इसका कलिया है। ये जो फ्लावर है मुरझा गए है, ये काल खिला था और इसका कलिया देखिए इस तरीके के, ये कल खिल जाएगी। तो इसी प्लांट को रिपोर्टिंग करके आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहला पॉइंट यही होना चाहिए, जब भी आप नर्सरी से कोई भी प्लांट लेके आएंगे आपके घर पे मिनिमम 7 डेज उसको अच्छे तरीके से रखना है, उसके बाद ही आपको रिपोर्टिंग का काम कर लेना है। देखिए, आपको 7 डेज से ज़्यादा टाइम हो गए हैं, नर्सरी विजिट वीडियो आपके साथ शेयर किया था, तब तक जो प्लांट है इस तरीके से ही है, मैं सिर्फ पानी दे के इसको छोड़ रखी थी। प्लांट अब मेरे गार्डन में नया नहीं है, मेरे गार्डन का एटमॉस्फेयर के साथ सेट हो गए हैं, अब हमको इसको रिपोर्टिंग कर लेना है। तो सबसे पहले ये जो पन्नी लगा हुआ है ग्रो बैग ब्लैक कलर का, इसको मैं कट करके हटा दूंगी और मैं इस तरीके से प्लांट को लगाऊंगी कि प्लांट बिल्कुल रिपोर्टिंग का शौक पे नहीं जाएगा। जैसे आप प्लांट देख रहे हो ऐसे ही प्लांट रहेगा और फूल खिलाते जाएगा, ना कोई पत्ता सूखेगा ना कोई पत्ता पीला पड़ेगा, प्लांट एकदम से फ्रेश ही रहेगा। तो प्लांट को धीरे धीरे निकाल लेना है और ये जो रूट बॉल है, रूट बॉल बिल्कुल ज़रा से भी डैमेज नहीं होना चाहिए। तो जैसे रूट बॉल डैमेज हो जाएगा, ये जो जितना कलिया आप देख रहे हैं सारा कलिया पीला होकर झड़ जाएगा और प्लांट को ग्रो होने में भी टाइम लगेगा, यानी प्लांट शॉक पे भी चले जाएगा। और यहाँ पे देखिए, ये जो जाली लगा हुआ होता है, आजकल तो मैक्सिमम प्लांट में आप इस तरीके से जाली देखेंगे, तो इससे आपको क्या करना है, आपको कट करके हटा नहीं देना है, जाली के साथ ही प्लांट को रिपोर्टिंग करूँगी। मेरे पास जितना बड़े बड़े आप हिबिस्कस का प्लांट देखे होंगे सारे में ही जाली लगा हुआ है। मैं कट करके शुरुआत में मैं एक आधा प्लांट क्या किया था, कट करके इस तरीके से जाली को हटा दिया था, फिर मैंने उस प्लांट को बचा नहीं पाए, प्लांट धीरे धीरे रिपोर्टिंग शॉक पे चले गए थे और प्लांट खराब भी हो गए थे। तो उसके बाद मैं इस जाली को और हटाते नहीं हूँ, तो मेरे पास प्लांट तो बहुत ही अच्छा चलते हैं। ये जाली से प्लांट एक्चुअली, इसका जड़ देखिए जाली के बाहर आके ये डेवलप्ड हो चुका है, तो आप इसको जाली को हटाने जाएंगे तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसका जो रूट्स है, डेवलप रूट्स यानी जड़ है, तो ये कट जाएगा, ये शॉक पे चले जाएगा और प्लांट हमारा मैक्सिमम टाइम खराब हो जाता है। और इसका रूट बॉल का साइज देखिए, ये 4 इंच का होगा, तो इसके लिए हमको कितना गमला लेना है, कितना इंच का जो साइज है गमले का वो लेना है। देखिए, मैंने 8 इंच का गमला लिया है और गमले का जो शेप है ये देखिए, बीच का पोर्शन बहुत ही चौड़ाई पे है, तो ये जो गमले का साइज है आपको ऐसे ही चुनना है। गमला का जो साइज के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका प्लांट फूल देते रहेगा कि फ्लावरिंग देना स्टॉप करेगा, क्योंकि ये जो आपने देखे हो हिबिस्कस प्लांट में हमेशा रूट बाउंड होने पे ही प्लांट फ्लावरिंग पे आ जाता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा गमला लेंगे तो प्लांट फ्लावरिंग स्टॉप कर देगा, अपना रूट ग्रोथ में बिजी रहेगा और प्लांट का सारा एनर्जी रूट ग्रोथ में ही लगा देगा। तो इस तरीके से हमको पॉट सिलेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है गुड़हल प्लांट के लिए।
अब मैंने देखिए बहुत ही अच्छे से एक पॉटिंग सॉइल पॉटिंग मिक्सचर बनाऊंगी। इसके लिए मैंने लिया है काउ डंग कंपोस्ट। नर्सरी से आप एक हिबिस्कस यानी गुड़हल का प्लांट खरीदने के बाद अब नर्सरी लोगों से ही आप प्लांट को लगा लेंगे, नया गमले में लगा लेंगे, तो आप देखे होंगे उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र प्लांट का रिपोर्टिंग में इस्तेमाल नहीं करते हैं। गार्डन सॉइल के साथ सेफ काउ मैन्योरी इस्तेमाल करते हैं और उसी में ही प्लांट को लगा के देते हैं। तो अब विंटर का भी सीजन आ रहे हैं, तो मैं आज जो रिपोर्टिंग करूंगी गुड़हल प्लांट को, तो मैं काउ मैन्योर पे ही करूंगी। तो इससे रिपोर्टिंग करने से प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र का ज़रूरत नहीं होता है। इसके साथ देखिए मेरे पास ये था सी वीड्स एक्सट्रैक्ट, मैं ये भी दे दूंगी। और काउ मैन्योर यानी गोबर खाद में अच्छा मात्रा में नाइट्रोजन भी रहते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट भी रहते हैं। इसके बाद देखिए मेरे पास थोड़ा ह्यूमिक एसिड भी था, तो ये भी मैं दे दूंगी, तो बहुत ही बढ़िया रूट ग्रोथ प्लांट का होते रहेगा। सी वीड्स और ह्यूमिक एसिड प्लांट का रिपोर्टिंग के टाइम पे आप नहीं देंगे तभी भी चलेगा। सिर्फ गार्डन सॉइल काउ मैन्योर और नीम खली ये तीनों चीज ऐड करके प्लांट लगा देंगे तो इसी से ही प्लांट बहुत ही बढ़िया चलेगा। ये देखिए ये है नीम खली, ये भी मैंने ऐड कर दिया है। तो हमारा सिंपल से पर बहुत ही पावरफुल पॉटिंग सॉइल हिबिस्कस प्लांट यानी गुड़हल प्लांट के लिए एकदम परफेक्ट है, एकदम रेडी है। इस पॉटिंग सॉइल में ना मैं कोई पोटेशियम फर्टिलाइजर मिलाऊंगी, ना कोई बोन मिल फर्टिलाइजर मिलाऊंगी, कुछ भी अभी जरूरत नहीं है। प्लांट जैसे ग्रो होना शुरू करेगा तो मैं धीरे धीरे फर्टिलाइजर लिक्विड फर्टिलाइजर देना चालू करूंगी। और जिस हिबिस्कस को मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ इसमें बहुत सारा कलियाँ बन चुके हैं, तो मैं क्या करूँगी एक हफ्ता बाद मैं इसमें बनाना पील फर्टिलाइज़र लिक्विड फॉर्म में देना चालू करूँगी और भी तरह तरह जो पोटेशियम बेस्ड फर्टिलाइज़र होता है लिक्विड फॉर्म में वो देते रहूँगी। और कोई ड्राई फर्टिलाइज़र आप प्लांट में नहीं देना है, मिनिमम आपको 6 महीना तक प्लांट में और कोई ड्राई फर्टिलाइज़र नहीं देना है, आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र हर हफ्ता देते ही जाना है। आप देखिए प्लांट को मैंने बीच में बिठा दिया, प्लांट का ये जो बेस होता है सॉइल का ये बेस देखिए एकदम गमले के ऊपर तक आ रहे हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा मिट्टी को हटा के फिर दोबारा प्लांट को रख के देखूंगी कि प्लांट कहाँ तक आ रहे हैं, तो उसके बाद साइड पे हमको ये जो पॉटिंग सॉइल हमने लिया है इसको दे देना है। गमले के अंदर पॉटिंग सॉइल किस तरीके से हमको डालना है यानी भरना है, आपको थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट में ये जो पॉटिंग सॉइल है इसको भरना है, यानी थोड़ा आपको पॉटिंग सॉइल दे देना है, उसके बाद एक स्टिक का मदद से साइड पे अंदर तक आपको थोड़ा सा चेक कर लेना है कि कोई एयर पॉकेट तो नहीं है, फिर दोबारा आपको पॉटिंग सॉइल दे देना है। तो इस तरीके से आपको पूरा गमले को फिल कर लेना है, आपको इस तरीके से नहीं करना है कि सारा पॉटिंग सॉइल आप एक बार डाल दिए हो उसके बाद आप प्लांट को फाइनली रिपोर्टिंग कर दिए हो, इस तरीके से आपको नहीं करना है। तो प्लांट का गमले के अंदर एयर पॉकेट क्रिएट होता है और उसी में प्लांट का जड़ों में फंगस भी लग जाता है और डिजीज़ भी लग जाता है। तो देखिए इस तरीके से थोड़ा सा मिट्टी आपको दे देना है और साइड पे एक स्टिक का मदद से जो मिट्टी है उसको नीचे के तरफ आपको प्रेस करते जाना है। इस तरीके से आप कोई भी प्लांट को रिपोर्टिंग करेंगे तो बहुत ही बढ़िया प्लांट का जड़ों का ग्रोथ होता है। तो मैं पॉटिंग सॉइल को गमले के अंदर फिल कर रही हूँ और इस टाइम आपके साथ आपको और एक बार रिपीट कर देती हूँ कि जब भी आप हिबिस्कस प्लांट को नर्सरी से लेके आएंगे और आपके घर पे आप लगाने जाएंगे, पहले बार तो हिबिस्कस प्लांट लेके आने के बाद ही तुरंत आपको रिपोर्टिंग नहीं करना है, आपको कुछ दिन रुक जाना है, प्लांट को आपका घर का जो एटमॉस्फेयर है उसके साथ एडजस्ट होने दीजिए। उसके बाद प्लांट का जो रूट बॉल है रूट बॉल के नाप लेके आपको गमले का साइज चुनना है और प्लांट जब आप लगाएंगे प्लांट का रूट बॉल को आपको बिल्कुल आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो कि प्लांट का रूट बॉल से मिट्टी हटा के आप रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, जो
नेचुरली हम करते रहते हैं तो प्लांट आपका जल्दी से ग्रो किस तरीके से करेगा। कभी कभी प्लांट का रूट बॉल में जो सॉइल लगा होता है वो बहुत ही हार्ड सॉइल हो जाता है, तो इस तरीके से आपको कैसे करना है, जब भी आप एक बार गमले में प्लांट को शिफ्ट कर दिया है, प्लांट आपका ग्रो होना चालू हो गए है, यानी ग्रोथ यानी नया मिट्टी में ग्रोथ को पकड़ लिया है, तब आप क्या कर सकते हो, धीरे धीरे गमले का ऊपर से आप थोड़ा सा गुड़ाई करके मिट्टी को निकाल दे सकते हो और प्लांट का जो रूट बॉल है ऊपर के तरफ वहां से भी आप थोड़ा थोड़ा मिट्टी निकाल के वहां पे नया मिट्टी भर सकते हो। तो इस तरीके से रूट बॉल से थोड़ा थोड़ा मिट्टी आप हटा सकते हो। इस तरीके से आप प्लांट के साथ रिपोर्टिंग का काम करेंगे तो आपका प्लांट कभी शॉक पे नहीं जाएगा और प्लांट न्यू सॉइल पे बहुत ही जल्दी जल्दी ग्रोथ को पकड़ लेते हैं। तो मेरा प्लांट गमले में लग गए हैं। अब मैं क्या करूँगी, 1 लीटर पानी में मैं थोड़ा सा ह्यूमिक एसिड और थोड़ा सा सी वीड्स मिला के थोड़ा थोड़ा करके प्लांट का गमले में मिट्टी पे पानी डालते रहूँगी। एक साथ हमको नहीं डालना है। तो फ्रेंड्स आप देख ही रहे हो कि किस तरीके से मैंने प्लांट को रिपोर्टिंग किया है। प्लांट को मैंने ज़रा सा भी डिस्टर्ब नहीं किया है। तो नर्सरी से प्लांट लेके आने के बाद जब फूल खिलना बंद कर देते हैं, ग्रोथ लेना बंद कर देते हैं, नया ग्रोथ हो ही नहीं पाता है, तो ये सारा प्रॉब्लम आपका प्लांट में और नहीं आएगा। इस तरीके से आप प्लांट को रिपोर्टिंग कर दीजिए और प्लांट जैसे जैसे बड़ा होते जाएगा उसी के हिसाब से हमको प्लांट के साथ काम भी करना है। जैसे इस 8 इंच गमले में जब प्लांट बहुत ही अच्छा से ग्रोथ को पकड़ लेगा, इसका रूट्स एकदम नीचे से निकल के आ जाएगा, मतलब रूट बाउंड हो जाएगा, तो हमको उस टाइम क्या करना है, प्लांट को गमले से निकल के आप साइड साइड से रूट को कटिंग करके यानी रूट प्रूनिंग करके दोबारा सेम गमले में आप लगा सकते हो। अदरवाइज आपके पास जगह है, बड़ा गमले रखने के लिए भी जगह है, तो आप बड़ा गमले में भी प्लांट को शिफ्ट कर सकते हो। और फर्टिलाइजर का बात करूँ तो अभी 6 महीना तक प्लांट में कोई डाई फर्टिलाइजर आपको नहीं देना है। आपको सिर्फ हर हफ्ता पोटेशियम बेस्ड लिक्विड फर्टिलाइजर देते रहना है, तो आपका प्लांट में कभी कलियां आना खत्म नहीं होगा, प्लांट फूल खिलाते ही रहेगा। इसके साथ और एक चीज़ पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप हिबिस्कस प्लांट को रिपोर्टिंग कर रहे हो, कंटिन्यू आपको फ्लावर चाहिए, तो प्लांट को मिलीबग से आपको बचा के रखना है। हिबिस्कस प्लांट में मिलीबग नहीं लगेगा, ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हिबिस्कस प्लांट मिलीबग के साथ एकदम अटैच रहता है और मिलीबग आपका प्लांट में लगेगा ही लगेगा, तो इसको आपको अच्छे से कंट्रोल करना है, तभी जाके आपका प्लांट में कंटिन्यू फूल खिलते ही रहेगा। और ज़रा सा भी आप मिलीबग को इग्नोर करेंगे तो आपका प्लांट में फूल खिलने का बात तो दूर है, प्लांट धीरे धीरे सूखता जाएगा और प्लांट आपका खराब भी हो जाएगा। और प्लांट को अच्छे से डायरेक्ट सनलाइट पे आपको रखना है और मिट्टी को सूखने नहीं देना है। आप फिलहाल जैसे इस तरीके से आप मेरे जैसे आपका प्लांट है कि आपका प्लांट में कलियों में भरा हुआ है, तो ज़रा सा भी प्लांट का मिट्टी को आपको सूखने नहीं देना है। प्लांट का सॉइल में मॉइस्चर को मेंटेन करके आपको रखना है। तो इस तरीके से आप हिबिस्कस प्लांट को रिपोर्टिंग करिए और इस तरीके से हिबिस्कस प्लांट को देखभाल करिए, तो प्लांट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा और आपका प्लांट अच्छा रहेगा, बहुत ही बढ़िया चलेगा। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। कोई क्वेरी है आपके पास तो वो भी मेरे पास पहुँचा दीजिए। और आप मेरा चैनल के साथ जुड़ना चाहते हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज यहाँ तक ही फ्रेंड्स, मिलते हैं और कोई नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग, गुड बाय।